जय हिंद दोस्तों, मैं महेश चमोली आपका स्वागत करता हूं दून डिफेंस अचीवर्स में। इससे पहले हम लोग प्रोनाउन की सीरीज कर रहे हैं और उससे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन का हम लोगों ने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है अपने दून डिफेंस अचीवर्स के यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, हमारे ऑनलाइन बैच अभी चल रहे हैं तो आप दिए गए नंबरों पर, दून डिफेंस अचीवर्स के दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं जो कि 7060032450 पे है। उसमें हमारा NDA एयरफोर्स और नेवी के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि जनवरी से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से, और अप्रैल के लिए, अप्रैल 2023 के लिए फोकस्ड है वो। तो अगर आप भी क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आप जाकर के जो है उन नंबर दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं प्रोनाउन पे। हम लोगों ने कई चीज़ें डिस्कस कर ली। पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद हमने डिस्कस किया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन रह गया है और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले मैं चाहता हूँ आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बताऊँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है आइए देखते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूट से आपको समझ में आ रहा होगा बांटने जैसा कुछ चीज हो रहा है, बांटने जैसा, डिस्ट्रीब्यूट जैसा। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है? तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमें पढ़ना है ईच, एवरी, आइदर और नीदर। अच्छा, ईच और एवरी को पढ़ें, उससे पहले मैं आइदर और नीदर के बारे में बताऊं, क्योंकि ये बहुत आसान है समझना, इस वजह से इसको पहले कर लेते हैं। तो आइदर और नीदर क्या कहता है? EITHER आइदर और NEITHER नीदर। एक्चुअली ये दोनों सिंगुलर होते हैं, दोनों के दोनों सिंगुलर होते हैं, और अगर ये सिंगुलर होंगे दोनों के दोनों तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही आएगी। अच्छा, वर्ब क्यों आएगी? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि नाउन और प्रोनाउन दो चीज़ें ऐसी हैं जो सब्जेक्ट बनते हैं। अगर सब्जेक्ट बनते हैं तो भाई ये सब्जेक्ट बनेंगे तो इनके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, और इनके अकॉर्डिंग अगर वर्ब आएगी तो वो कैसे होगी? वो सिंगुलर होगी। किसके साथ? आइदर और नीदर। एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि आइदर का जो मतलब होता है हिंदी में, उसका मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। अच्छा, किसी एक की अगर बात हो रही है, दो में से किसी एक की अगर बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो सिंगुलर होगा, कोई एक सिंगुलर ही होगा। और नाइदर की बात करें तो नाइदर क्या कहता है? दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, और यह भी सिंगुलर होता है। इसके पहले भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। एक और इससे एरर क्या बनता है कि यहां पे जो हम लोगों ने कितने ऑब्जेक्ट लिए, यहां पे दो ऑब्जेक्ट लिए, मतलब हो सकता है कि वहां पे कहा ना गया हो लेकिन मेंशन किया होगा नाइदर बॉय। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा नाइदर बॉय वॉज माई ब्रदर। अब इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि दोनों में से एक, या दोनों में से कहीं नहीं, ऐसा कहीं ऐसा कहा नहीं गया है। लेकिन ये जो नाइदर लिखा हुआ है, इस नाइदर से हमें यह समझना है कि दोनों में से किसी नहीं की बात कर रहा है। तो ये अपने आप में नेगेटिव है, और ये अपने आप में कितने की बात करता है? दो की बात करता है। एक और जैसे मैं सेंटेंस लिख दूं कि आइदर कार इज माइन, आइदर कार इज माइन। आपने बोला जी दोनों में से कोई एक कार मेरी है, लेकिन यहां पे दो की बात कहीं नहीं गई गई है। आइदर से ऐसा समझना है कि दो की बात हो रही है, नाइदर से ऐसा समझना है कि दो की बात हो रही है लेकिन कहा नहीं गया है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा इन चीजों से एरर कहां बनता है? एरर एक यहां बनता है कि दो से ज्यादा की जब बात हो। मान लीजिए सेंटेंस इस तरीके से आए, बट सर नीचे है थोड़ा सा जगह। अच्छा, मान लीजिए सेंटेंस इस तरीके से आए कि थ्री ऑफ देम और आई हैव थ्री ब्रदर्स, और आगे मैं लिख दूं नाइदर रिजेंबल्स मी। अब आप देखना यहां पे कहा क्या गया है, आई हैव थ्री ब्रदर्स। तो ये ब्रदर कितने हैं? ये ब्रदर हैं तीन,
और तीन है और आगे आया है नाइदर। ये नाइदर किन के लिए आया है? इन तीनों के लिए। हमने क्या पढ़ा था? नाइदर दो के लिए होता है, और नाइदर हो चाहे आइदर हो दो के लिए होता है, और अगर ये दो के लिए होता है तो ये नाइदर गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे नन। इसका मतलब दो के लिए तो सिंगुलर ठीक है, दो के लिए तो आइदर नाइदर दोनों ठीक है, लेकिन दो से जब ज्यादा होगा तो आइदर की जगह पे लग जाएगा एनी, या फिर आप लगा सकते हैं वन ऑफ, और नाइदर के साथ क्या लग जाएगा? नन लग जाएगा। नाइदर के साथ क्या लग जाएगा? नन। और आइदर के साथ क्या लग जाएगा? एनी। लेकिन कब लगेगा? जब दो से ज्यादा की बात होगी, दो से ज्यादा की बात होगी। तो ये तो रहा आइदर और नाइदर के बारे में इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं ईच और एवरी की। ईच और एवरी क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ईच का मतलब होता है हरेक या प्रत्येक, जिसे हम लोग कहते हैं, और एवरी का मतलब भी वही होता है। मान लीजिए मैंने लिखा ईच, इसको कहते हैं प्रत्येक या हरेक, जैसे अब बोले, और एवरी का मतलब भी होता है वही, हरेक या प्रत्येक, हरेक या प्रत्येक। लेकिन यूज अलग अलग होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ईच और एवरी के बारे में लिखते हैं। एवरी के बारे में यहाँ लिखते हैं और ईच के बारे में यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले एवरी की बात करें तो ये कहाँ आता है? ये ऑल के बारे में बताता है, लेकिन ये जनरल के बारे में बताता है। ऑल तो होगा लेकिन ऑल कैसा? जनरल। एक ईच क्या करेगा? इट एम्फेसाइज इंडिविजुअली, इंडिविजुअली का मतलब है ये क्या करेगा, किसी एक चीज को एम्फेसाइज करने की बात करेगा, जबकि ये एम्फेसाइज तो करेगा ही नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजों के बारे में बोलेगा। एक दूसरा, इट कम्स फॉर मोर देन टू, और ये कहां आता है? इट कम्स फॉर टू। अच्छा, ये ईच दो के लिए आता है, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दो थिंग हो सकती है, दो पर्सन हो सकते हैं, और ये दो से ज्यादा की बात करेगा। थर्ड की बात करें तो इट इज इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्यों है? इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली बात है जनरल की बात कर रहा है, और जनरल में तो हमें पता नहीं ना कि स्पेशल किसकी बात हो रही है, और ये अगर किसी इंडिविजुअल को फोकस करेगा तो ये डेफिनेट होगा। इट इज डेफिनेट। एक और चीज याद रखनी है कि अगर ये डेफिनेट है ना, सो वी कैनॉट यूज ऑलमोस्ट, nearly, approximately, etc. क्या बोलना चाह रहा है एक बार मैं दोबारा से बता दूं, each और every दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन use अलग अलग होंगे। every कहाँ use होगा? जहाँ general की बात करी जा रही होगी, और each कहाँ use होगा? जहाँ भाई emphasize किया जा रहा होगा किसी individual को। second बोल रहा है ये दो से ज़्यादा के लिए आएगा, और ईच सिर्फ दो लोगों के लिए आएगा या टू थिंग्स के लिए। ये कह रहा है जी इंडेफिनिट है, ऑब्वियसली बात है इंडेफिनिट इसलिए होगा क्योंकि जनरल है ना, और ये क्या कह रहा है डेफिनेट, ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये इम्फेसाइज करेगा। और लास्ट वाला एग्जांपल कहता है कि हम लोग ऑलमोस्ट नियरली या अप्रॉक्सीमेटली नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि डेफिनेट है, ये इम्फेसाइज भी कर रहा है, और जब डेफिनेट कर रहा है तो ऑलमोस्ट एक ऐसा वर्ड है जो डेफिनेट की बात ही नहीं करता। ऑलमोस्ट का मतलब होता है करीब करीब, नियरली का भी मतलब वही होता है, और अप्रॉक्सीमेटली का भी वही होता है लगभग लगभग। तो ये लगभग अगर आप किसी चीज़ को कह रहे हैं, इसका मतलब यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। इफ यू आर सेइंग समवन दैट आई एम अर्निंग ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज, इट मीन्स यू आर नॉट श्योर वेदर इट इज 20,000, वेदर इज इट 25,000, वेदर इट इज 15,000, लगभग लगभग कहा गया है, तो ये डेफिनेटली इनडेफिनेट होगा। तो ये कहना चाह रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और उन एग्जाम्पलों से जानेंगे ईच आएगा या एवरी आएगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ।
यहां पे मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं। एग्जांपल क्या कहता है, मान लीजिए मैंने लिखा एवरी, या फिर मैं फिल इन द ब्लैंक्स दे देता हूं यहां पे, सिगरेट। कई बार जो है सिगरेट की स्पेलिंग आ जाती है, एवरी सिगरेट वी स्मोक इज इंजूरियस। एक दूसरा मैंने लिखा आई नो पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री। तीसरा मैंने लिखा आई हैव टू पेंस, और फिल इन द ब्लैंक्स राइट्स वेरी वेल। ये तीन क्वेश्चन हो गए जी हमारे। अब क्या कह रहा है, सिगरेट वी स्मोक इज इंजूरियस, कि क्या कह रहा है भाई कि जो हर कोई सिगरेट हमने जो पीते हैं वो इंजूरियस है। तो इंजूरियस है तो मुझे देखना पड़ेगा ईच आएगा या एवरी आएगा, इनमें से कुछ ना कुछ हमें लगाना है, या तो ईच होगा या एवरी होगा। तो अब देखें सिगरेट वी स्मोक इज इंजूरियस, अब मुझे देखना पड़ेगा क्या ये इम्फेसाइज करने की बात हो रही है या फिर जनरल की बात हो रही है। हो सकता है आप कहें सर इम्फेसाइज की बात हो रही, हो सकता है आप कहें जनरल की बात हो रही, लेकिन समझना कैसे। अब जब आप जब कोई भी बच्चा सिगरेट पीता होगा या कोई भी जब सिगरेट पीता है तो क्या कोई कोई सिगरेट हार्मफुल होती है या हर एक सिगरेट हार्मफुल होती है। अच्छा अगर हर एक सिगरेट हार्मफुल होती है तो इसका मतलब वो ना सॉरी इसका मतलब वो इम्फेसाइज करने की बात कर, जनरल की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है भाई जितनी भी तुम सिगरेट पियोगे वो सब हार्म करेगी, तो इम्फेसाइज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा ईच सिगरेट। इस वाले पे चाहें आई नो पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री, बोल रहा है भाई मैं हर किसी पॉलिटिशियन को जानता हूँ, तो क्या हर किसी पॉलिटिशियन को जानता है, एम्फेसाइज कर रहा है कि हर किसी की बात कर, या फिर बात कर रहा है जनरल की कि हाँ उनमें से कुछ को तो जानता होगा, 100 लोगों में से 10-20 को जानता होगा, 40-50 को जानता होगा, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि हर किसी को जाने, तो इसका मतलब वो एम्फेसाइज नहीं, वो जनरल की बात कर रहा है। और अगर जनरल की बात कर रहा है तो मुझे लिखना पड़ेगा वी नो एवरी पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री। सेकेंड कह रहा है आई हैव टू पेंस, अच्छा आई हैव टू पेंस एंड ईच और एवरी पेन राइट्स वेरी वेल। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या आएगा। अच्छा उससे पहले आपको देखना पड़ेगा ये बात कितने पेन की कर रहा है, टू की, और यहाँ पे आ रखा है इट कम्स फॉर टू, ये कहाँ था इट कम्स फॉर मोर देन टू। अलग अलग तरह के एग्जाम्पल हो गए, एक एम्फेसाइज का हो गया, एक जनरल की बात हो गई, और एक टू और थ्री का हो गया। तो दो लोगों की अगर बात हो रही है, टू थिंग्स की अगर बात हो रही है, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे आई हैव टू पेन्स एंड ईच पेन, यहाँ पे आ जाएगा ईच पेन राइट्स वेरी वेल। तो ये रहा ईच और एवरी में डिफरेंस, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहा। इसके बाद हम लोग एक और प्रोनाउन करेंगे, एक रिलेटिव प्रोनाउन बच गया है, और रिलेटिव के बाद हमारा बच गया क्या, इंडेफिनेट प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये दो प्रोनाउन बच गए हैं, इन प्रोनाउन को भी हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व कर देंगे। बहुत छोटा सा यह वीडियो था और ये बहुत ही हम लोगों ने ईच और एवरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा है। आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिली होगी। आगे भी मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा, आप लोग बस बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।